ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा मुझे पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की हो सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी स्केलर हो सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वेक्टर्स हो सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमारी टेंसर हो सकती हैं। ये हमारी तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल है। अब इनको मेजर कैसे करेंगे हम वो पढ़ेंगे। इनका अलजेब्रा हमें स्केलर अलजेब्रा तो पता ही है, सिंपल एडिशन, हम अलजेब्रिक सम करते आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा वेक्टर्स, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, इसके बारे में हम सिंपल सी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं पहले मुझे ये पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं फिच है मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जैसे हम बोले किसी दुकानदार को जाके भैया आधा किलो चीनी देना, तो आधा किलो इज व्हाट मैग्नीट्यूड, हाफ के जी इज व्हाट मैग्नीट्यूड। हम ये नहीं बोलेंगे आधा किलो चीनी इस डायरेक्शन में देना, ठीक है ना, वो बिल्कुल बेकार बात होगी। जो क्वालिटीज, जिन क्वालिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वालिटीज। एग्जाम्पल में हमारा मास आ जाता है बेटा, डिस्टेंस आ जाता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, वर्क आ जाता है, वर्क एक एनर्जी है, एनर्जी को भी क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटीज। और हम ध्यान रखेंगे कि ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज जितनी भी हैं उनका सब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। मास, डिस्टेंस, वर्क और हमारा एनर्जी आ गई, ठीक है, पावर हो गई, ये सारी की सारी क्या है बेटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्या है, सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज, हमें पहले से ही पता था। अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास विच है मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस फिक्स या फिर स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। फिक्स या फिर स्पेसिफिक क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। उन क्वांटिटीज को हम डालेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। जैसे हम बोले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड से हम गए टुवर्ड नॉर्थ, तो हमें पता लग गया 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड है और हम किस डायरेक्शन में गए, नॉर्थ की तरफ गए। ठीक है, अब हम बोले जैसे किसी बॉडी का मोमेंटम कितना है, किसी बॉडी का मोमेंटम मान लो 2 यूनिट है, अब 2 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो गया और किस डायरेक्शन में मोमेंटम, दैट इज व्हाट, डायरेक्शन की कैटेगरी में आ गया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? वेक्टर। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, कि हम ट्रैवल किया, हमने 3 मीटर ट्रैवल किया लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, मान लो 30 डिग्री टुवर्ड ईस्ट, ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमारा डायरेक्शन हो गया, लीनियर मोमेंटम के पास डायरेक्शन होती है, एंगुलर मोमेंटम के पास भी डायरेक्शन होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आ रहे हैं ये सब। ठीक है, एक्सीलरेशन के पास वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती है बेटा। ठीक है, हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे इनको आगे आगे, और भी बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर अब आती है बात टेंसर क्वांटिटीज की। हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स रहता है, मैं आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन बताऊंगा सिर्फ। टेंसर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? टेंसर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, विच हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन ये मतलब नहीं है इनकी डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है डायरेक्शन, विच हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, इनका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में बदलता है, हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। दीज क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड विल डिफरेंट होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके एग्जांपल में हम डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालेंगे, आगे जाके आप लोग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हर एक्सिस के अलॉन्ग सेम बॉडी का, जैसे मान लो मैं रिंग ही ले लूँ, रिंग का अगर मैं मान लो ये रिंग है हमारी, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, सेम मास की जबकि है, ओरिएंटेशन एक्सिस का अलग है सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड बदलेगा डायरेक्शन के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैटेगरी आएगा, स्ट्रेस आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, टेंसर क्वांटिटीज के।
तो हमने सिंपल ये पढ़ा पहले तो वेक्टर्स क्या है। वेक्टर चैप्टर में मेजरमेंट हम फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे कर सकते हैं, स्केलर वेक्टर टेंसर क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, उनसे हम उनका अलजेब्रा आगे आगे पढ़ते हैं। वेक्टर में वेक्टर अलजेब्रा होता है, स्केलर में स्केलर अलजेब्रा होता है, ठीक है। हालांकि टेंसर क्वांटिटी को हम स्केलर अलजेब्रा से, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, हम इनको ऐसी क्वांटिटीज को किससे डील कर लेंगे बेटा, स्केलर अलजेब्रा से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।